पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट डस्टबिन में, जी हां, जब सफाई कर्मचारी बने अधिकारी तो क्या करे जनता बेचारी। जनपद बहराइच के विकास खंड शिवपुर अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में यही हालात है। भले ही देश का मुखिया खुद हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की कवायद में लगा हो, लेकिन सफाई कर्मी गाँव की सड़क व नाली साफ करने न आए और गाँव की महिलाएं अपने हाथ में फावड़ा लेकर गंदी नालियां साफ करते दिखे तो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी फिरना लाजमी है। ऐसी तस्वीर शिवपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेला से निकल कर आ रही है, जहां सफाई के जिम्मेदारों की उदासीनता देख आप दंग रह जाएंगे। जाम नालियां बीमारियों को न्योता दे रही हैं। ग्राम वासियों का कहना है कि सफाई कर्मी राजेश गुप्ता 6 माह में एक बार आता है और मजदूर से आधी अधूरी सफाई कर पल्ला झाड़ लेता है। ग्रामीण मजबूरन अपने हाथ से सफाई करते हैं, बच्चे भी गंदगी भरी नालियों के पास खेल कूद कर किलकारियां लेते हैं। ऐसे में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का मिशन कैसे पूरा होगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कौन कहा है मामला? अरे ये 2 महीने के नाली साफ करने आया होता है। अच्छा, हाँ। इससे पहले आवत रहा है? पहले आवत है तो वहाँ मजदूर लेके आवत है, कहूँ अपना ना आवत है, हाँ। मजदूर भेजा था। अच्छा, साफ करने नहीं आता है? कहाँ मामला है? नाली वाली नहीं साफ कर रहे हैं। को राजेश? राजेश क्या है? राजेश को है गुप्ता। अच्छा, सफाई कर्मी है? हाँ, सफाई कर्मी है। राजेश कभी आते पहले से आप साफ कर आए हैं ना? पहले साफ कराए कभी? मामला है 6 महीना पहले आए थे नाली साफ करे, हाँ। फिर आए नहीं, सब नाली सब जाम पड़ी, आधी नाली साफ की आधी फिर साफ नहीं कहीं, वैसे चले गए। फिर मजदूर लेके आए, जो लाया रहा है वो साफ की भाग गए वो। अच्छा, 6 महीना साफ कराया? हाँ। अच्छा, ये खराला लेकर आप जो घूम रहे हैं, इसी आपका मतलब है? आप खुद साफ करते हैं इसको? तो हमने साफ करिए, हमने द्वारा मुहा रहा है तो साफ करिए तो कहाँ चले।